लेट्स स्टार्ट विथ कंडक्शन. वी लाइट थर्मल कंडक्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होता है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो. हीट का कंडक्शन, सो वी कॉल इट थर्मल कंडक्शन. हीट ट्रैवल कर रही, कैसे, लेट्स सी. सबसे पहले देखें तो कंडक्शन जो चीज़ है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन के थ्रू जो हो रहा है, एक्चुअली ये जो प्रोसेस है वो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों में एग्जिस्ट करती है. तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि कन्वेक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में नहीं होता. ऐसे कंडक्शन की बात करें तो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, हर फॉर्म में होता है. वी कैन राइट फर्स्ट लाइन इन इन इट दैट इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम. दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सब में हो सकता है. अब प्रोसीजर क्या है, होता कैसे वो देख लो. सपोज ये जो है आपका हाई टेम्परेचर बॉडी है T1 पे, और मान लीजिए आपने कनेक्ट कर दिया इसको. कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और ये टेम्परेचर T2 है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2. तो होगा क्या, इसके ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा हीट है. तो ये अपनी हीट की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस बॉडी के, जो जिससे बना है, वो ऑसलेट करेंगे. और जब ऑसलेट करते हैं, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ऐसे ऑसलेट करते हैं ना, तो बाजू से टकराते हैं. टकराकर उसे अपनी एनर्जी प्रदान कर देते हैं. फिर वो टकराता है, वो उसे अपनी एनर्जी प्रदान करता है. यानी कि कोलिजन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. आपस में टकरा के ये एक दूसरे को एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं. हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ऐसे ट्रेवल करती है. तो लिख सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑसिलेट एंड कोलाइड विथ नेबरिंग NEIGHBOURING नेबरिंग पार्टिकल्स एंड इट इज इन दिस वे, इट इज इन दिस वे दैट कंडक्शन ट्रांसमिट्स एनर्जी. कंडक्शन ट्रांसमिट्स एनर्जी थ्रू द बॉडी. तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और ऐसे ही हमारा जो कंडक्शन है दैट टेक्स प्लेस. तो पार्टिकल ऑसिलेट एंड कोलाइड विद नेबरिंग पार्टिकल्स एंड इट इज इन दिस वे दैट कंडक्शन ट्रांसमिट्स एनर्जी थ्रू द बॉडी.